हम क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में अप्रोचेस की बात कर रहे थे. वी टॉक्ड अबाउट नेचुरल साइंसेज, एवोल्यूशनरी अप्रोच एंड सोशल अप्रोच. लेट्स लुक एट द ह्यूमैनिटीज एंड इको कल्चरल अप्रोच. ये क्रॉस डिसिप्लिनरी है, विच मीन्स दैट इट इज़ अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स एंड इट्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच. The individual cannot be separated from the milieu, from the scenario, from the context in which he or she exists. It is the environmental context. People constantly change and exchange messages across an environment, and that's how they transform it, and that's how the environment is transformed. Daily basis, you know that it's foggy and today I need to travel differently, or it's getting colder, I need to cover myself. So these messages from body to mind level goes on all the time. You tell yourself I'm tired or that I can work more. Both are messages that you're giving yourself, and we are also exchanging messages with the environment. So human being is not a passive and static एंटिटी. वो कोई रुकी हुई, कोई थमी हुई कोई चीज नहीं है. वो अपनी इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट से, मौसम से भी, सोशल एनवायरनमेंट से भी, ग्लोबल एनवायरनमेंट से भी. जैसे क्लाइमेट चेंज है, ये भी इंडिविजुअल को बदलता है. लेकिन क्योंकि ह्यूमन बीइंग डायनामिक है, इट चेंजेस, वो खुद भी अपनी एनवायरनमेंट को बदलता है. तो हम एजेंट भी हैं और हम रिसिपिएंट भी हैं. रिसीव भी करते हैं और खुद मुतासिर भी करते हैं, असरअंदाज भी होते हैं. इंडिविजुअल की जो साइकोलॉजी है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, जिस नेचुरल सेटिंग में हम रहते हैं. आई मेंशन्ड बिफोर दैट समवन लिविंग इन द हॉट क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका और लिविंग इन मलेशिया वेयर वेदर हार्डली चेंजेस, और लिविंग इन इस्लामाबाद और लाहौर वेयर देयर आर फोर सीजन्स एंड दे आर ऑल, especially winter and summer, are equally severe and harsh and need very different living styles, sometimes food and definitely clothing and home arrangement, the household modification that we need in summer and winter. It's very simple. When you put it in theory, it looks like, well, what is cross-cultural psychology, ecological approach saying? What we are saying is कि हम गर्मियों में पंखे चलाते हैं और सर्दियों में हीटर चलाते हैं. We are constantly shaped by and shaping the environment which is around us. तो एक्टिविटी जो पॉपुलेशन की है वो चेंज होती रहती है एनवायरमेंट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से. जिन फैक्टर्स का बहुत इम्पैक्ट होता है एक इंसान के ऊपर वो हैं खाना है या नहीं है, खुराक महंगी है या सस्ती है, क्वालिटी केयर न्यूट्रिशन की. यू नो विद इन सेम कल्चर मनी इज टाइड टू द काइंड ऑफ फूड यू ईट एंड ऑल्सो टू द रीजन. दे आर सर्टन थिंग्स जो आपको लाहौर में मिलती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पहाड़ों से यहाँ आती हैं, कुछ सिंध से आती हैं, कुछ बहुत दूर से कोई मेवा फल आता होगा. So the nutrition that you are provided is easily available in the big cities. Choti jagah pe wo aap se keh sakte hain ki ji yahan to flan cheez na ugti hai na yahan pe koi la ke bechta hai. So the kind of nutrition, so that is the environmental factor. See, that affects our behavior. Then the season, heat or cold, or population density. Kitne log hain jo us ilake mein rehte hain? Believe me, the culture of heavily populated cities or heavily populated areas of city, जहाँ हम लोग छोटे घरों में ज़्यादा ज़्यादा लोग करीब करीब रहते हैं, सड़कें तंग हैं, और large cities gives affects the individual, so that's the environmental factor. Individual की psychology उससे बहुत मुतासिर होती है. उसके अलावा फिर socio-political context है, किस हद तक लोग जो हैं वो ग्लोबल और लोकल एक्टिविटीज़ में डिसीजंस में हिस्सा लेते हैं, फैसले करते हैं. वोटिंग का फैसला है, साथ देने का फैसला है, गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, मुआशरे में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है, हमारी आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़ क्या हैं, हम
ऑनेस्टी है मसलन, वो एक आइडियोलॉजिकल वैल्यू है, हलाल की कमाई का आइडियोलॉजिकल वैल्यू है. फिर हमारी हुकूमत का निज़ाम क्या है, हमारी गवर्नमेंट का निज़ाम जो है पहले क्या था, किसी और के साथ कंपेयर करते हैं. और पॉलिटिकल फ्रीडम, आज़ादी, शऊर, राय की आज़ादी, ये हमारे पास है कि नहीं. सो दीज थिंग्स आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप द इंडिविजुअल एंड हिज साइकोलॉजी.